जीरो के ऊपर पानी जम जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे घरों के अंदर पानी की सप्लाई काम करती है। याकुत्स में और खास करके साइबेरिया रीजन के अंदर है ना, जो नीचे की जमीन है ना वो थोथली है। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस याकुत्स्क, दुनिया का सबसे ठंडा शहर। तो सुबह सुबह लोगों का रूटीन ऐसे स्टार्ट हो रहा है, जो बिल्डिंग के बाहर बर्फ बर्फ गिरी हुई है, लोग उसको हटाने में व्यस्त हैं। अभी याकुत्स्क का टेम्परेचर उतना ठंडा नहीं है जितना होना चाहिए था। यूं मान लीजिए, ये मोटे मोटे कपड़े पहनने के बाद अंदर से मुझे ही गर्मी लगने लग गई है। मैं याकुत्स्क थोड़े से गलत टाइम पे आया हूँ। वैसे अभी भी बाहर का टेम्परेचर -35 डिग्रीज के आसपास है, लेकिन एक हफ्ते पहले टेम्परेचर -50 के आसपास था, और उसी को देख के मुझे लगा कि यार अब पड़ रही है भाई यहाँ पे एक्सट्रीम वाली ठंड, और अब जाना सही रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। मुझे लग रहा था कि ऐसे कपड़े पहनने के बाद भी अंदर से मैं ठिठुरा जाऊँगा, वो वाला सीन नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ओमियाकोन की तरफ जाऊँगा ना, तब ये वाली चीज़ को मैं ढंग से एक्सपीरियंस कर पाऊँगा। जूते जो सोच रहा था ना, अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा जूतों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद शायद मैं मंगोलिया की तरफ जाने वाला हूँ, और मंगोलिया के अंदर है ना बड़े मस्त मस्त जूते बड़े ही किफ़ायती दाम के ऊपर मिल जाते हैं, तो फिर वहाँ से भी ले लूँगा मैं, और वो वाले जूते हर जगह काम आएंगे। यहाँ से जो मैं जूते लूँगा ना, वो यहाँ के अलावा कहीं काम नहीं आने। ये मान लो 10-10, 15-15 हज़ार रुपए के जूते होंगे वो, और मंगोलिया में उससे भी अच्छी क्वालिटी के जूते 4-5 हज़ार में मिल जाएंगे। एक हफ्ते पहले तक तो यहाँ पे नवदीप पाजी थे, नवदीप बरार, शायद आपने देखा होगा। नवदीप पाजी के साथ मैं उज्बेकिस्तान में भी घूमा था, और नवदीप पाजी को आपने नवंकुर की तो काफी वीडियोस में देखा होगा, और नवदीप पाजी का खुद का भी एक चैनल है। तो नवदीप पाजी लगभग एक हफ्ते पहले यहाँ पे थे। उस टाइम पे तो भाई यहाँ तूफान सा आ रखा था, धूप निकलती नहीं थी, एकदम हर टाइम फोगी फोगी माहौल। अब माहौल पूरा ही अलग हो रखा है, ये देखिए आप। भाई अब मैं जा रहा हूँ मेरे कौसर पे, होस्ट के घर पे, और मैंने ऑर्डर कर दी एक टैक्सी। यहाँ पे ना येंदेक्स काम नहीं करती, यहाँ की जो एप्लीकेशन काम करती है उसका नाम है ड्राइव। ड्राइव पे आपको ड्राइवर को ऑफर करना पड़ता है कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे तो एक्सेप्ट कर रहा है वहाँ जाने के लिए। आ गया भाई टैक्सी के अंदर। हाँ, तो इन ड्राइव पे क्या होता है कि आपको ड्राइवर को एक ऑफर करना पड़ता है। आप ऑफर करोगे, ड्राइवर को प्राइस रीजनेबल लगता है तो वो राइड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और सेम यही चीज़ यहाँ पे काम करती है। येंदेक्स यहाँ काम नहीं करती, जो बाकी रशिया में आपको काम करते हुए मिलेगी, येंदेक्स में थोड़ा बहुत यहाँ पे पंगा है। जो मेरी काउचसर्फिंग होस्ट है उनके पास बेसिकली मुझे कल जाना था, लेकिन कल भाई बहुत थका हुआ था मैं, और उसके बाद फिर मैंने कल जाने का प्लान पूरा ही कैंसिल कर दिया। सुबह के 11 बज चुके हैं, और यहाँ पे सूरज निकला था लगभग 9 बजे के अराउंड, और ये देखिए ऐसे उधर से निकलेगा और ऐसे ऐसे करके वापस चला जाएगा। 3 बजे के आसपास तो यहाँ पे भाई सूरज छिप भी जाएगा। यहाँ पे ट्रक भी शायद मैंने सुना है पेट्रोल के चलते हैं, क्योंकि डीजल का इंजन इतनी ठंड में ढंग से काम ही नहीं करेगा भाई। गाड़ी के अंदर है ना 2 ग्लास लगे हुए, एक अंदर और एक बाहर, इधर भी एक अंदर और एक बाहर। तो भाई और बहनों, जो मेरी काउच सर्फिंग होस्ट है उनके पास मैं पहुंच चुका हूं, और अभी उनके साथ बैठ के बातें कर रहा था। बाकी अब की बार दुबई से आते टाइम बना मैं काउच सर्फिंग होस्ट है उन सब के लिए ना पानी पूरी लेके आया था, और आज सुबह हम सब ने पानी पूरी ट्राई की। उस टाइम मैं वीडियो तो नहीं बना पाया, घर में एंट्री हुई नहीं, और उससे पहले मैं काउच सर्फिंग होस्ट के मुंह के ऊपर कैमरा लगा दो तो अजीब सी बात हो जाती है, तो वो वाली मूवमेंट तो मैंने नहीं कैप्चर की। लेकिन बातें करते करते मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों के साथ वीडियो बना सकते हो या नहीं बना सकते। उन्होंने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है बनाइए। तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा तानिया से। थैंक यू, स्पासिबा काकोय, स्पासिबा याकुतिया, махтал, махтал тания, велкам ту якутия, спасибо. Now you live with Milana and Roma. No. Only 3 и лев. जो मेरी होस्ट है तानिया, अभी उनसे काफी देर बात करके अभी हम जा रहे हैं घर से बाहर। Now we going to muse сейчас. Да. Потом Россия моя история. Потом маркетска. Маркет. And потом ты на работу. Работа. Да. Ты работа Якутия, ты? Нет, здесь. Якут. Якутия. А, хорошо. Да. А сколько часа работа? 3 часа. 3 часа. Да. А, хорошо. И все. А, магнит. Да, магнит. तो यहाँ के जो घर है ना, मैं आने के बाद आपको और ढंग से दिखाऊंगा कि दुनिया के सबसे ठंडे शहर के अंदर कैसी चीज़ें काम करती हैं। काफ़ी लोगों को पता होगा कि काउचसर्फिंग क्या चीज़ है, बाकी जिनको नहीं पता है, काउचसर्फिंग एक ऐसी एप्लीकेशन है जिनके थ्रू हम किसी भी जगह पर जाके वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके साथ रुक सकते हैं, और यही मैंने दुनिया के सबसे ठंडी जगह पर किया याकुत्स में। स्कूल है?
Да, ये школьники. По школе идут. बच्चों के स्कूल है ना यहाँ पे दोपहर को लगते हैं। शायद मैं भी ओमेकॉन जाऊंगा ना, तब रास्ते में जाते टाइम किसी न किसी एक छोटे गांव में रुकूंगा और आप लोगों को यहाँ के स्कूल दिखाऊंगा। это газ? газ? Нет, это тепло. тепло. да. батареи тепло. а, батареи. да. अंदर गांव नहीं है तो? канализации? нет. канализации есть, но не здесь. это пермафорт. это в другом месте. а. покажу где. मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे पाइप्स को, जितने भी पानी के पाइप हो गया, गैस वैस की पाइप हो गई, इनको नीचे से क्यों नहीं डाला जाता। तो ये कह रही है कि आई थिंक यहाँ पे नीचे परमा फोर्स्ट है और उस कारण से नीचे से पाइप ये डाल नहीं सकते, क्योंकि नीचे से अगर पाइप को ले जाएंगे तो पाइप और ज़्यादा जम जाएंगी। सिटी मार्केट बर्गर किंग हरोशे। यहाँ पे भी बर्गर किंग और KFC काम कर रहे हैं, तो जो सेंक्शन है ना वो इतने ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। जो वेस्ट वर्ल्ड ने सोचा था कि रशिया के ऊपर सेंक्शन लगा देंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हाँ फर्क पड़ा है, ये नहीं कर रहा हूँ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उतने कारगर साबित नहीं हुए। वैसे सोच रहा था एकदम इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा सेंटा क्लॉज बना रखा है, आंखें जमने लग गई है थोड़ी थोड़ी शायद। अदना सुपर फोटो होता है, खोलो ना खोलो ना। Да. Это в Оймяконе будет. В Оймяконе? Да. Это Оймяконе, это Оймякон. 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 मैं अब तक प्रोनाउंस कर रहा था ओमियाकोन, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम है ओमियाकोन। यहाँ के लोग ऐसा बोल रहे हैं, भाई ये टेम्परेचर है ना ठंडा नहीं है, नॉर्मल है इनके लिए। और आपके भाई की इधर भाई हालत ख़राब हो रखी है, -35 degrees है आज का टेम्परेचर और थोड़ी बहुत धूप भी निकली हुई है। आ गए बस के अंदर। बस के अंदर भाई मेरे को नींद ही आने लग गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। ये घरों के ऊपर से आपको धुआं दिख रहा है ना, ये सब यहाँ का हीटिंग सिस्टम काम कर रहा है। अपने साइड कई बिल्डिंग में सेंट्रल कूलिंग होती है ना, वैसे यहाँ पे सेंट्रल हीटिंग काम करती है। जो यहाँ की वाटर सप्लाई है वही आपको गर्म पानी देगी। ऐसे टेम्परेचर के अंदर पानी को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे पानी घर पे पहुँचेगा। आप सोच के देखिए, -35 degrees के ऊपर पानी जम जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे घरों के अंदर पानी की सप्लाई काम करती है, सीवरेज काम करती है। उसके पीछे भी भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ ही होगी। अब जो मेरी होस्ट है ना, उनसे आज रात को इस बारे बात करूंगा कि यार ये चीजें किस तरीके से काम करती हैं यहाँ पर। आ गए हैं भाई, एक म्यूजियम के अंदर जा रहे थे हम। तो भाई म्यूजियम के अंदर जो हमारा काम था वो खत्म हो गया है और अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। लाइफ यार यहाँ पे बड़ी अलग ही टाइप की है। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे बाकी रशियन सिटीज़ में आपको ट्रेन मिल जाएगी, मेट्रो मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें मिलेंगी, या तो बस और दूसरा टैक्सी। उसके पीछे यहाँ पे एक नेचर का भी बहुत बड़ा हाथ है, पर्माफ्रॉस्ट। शायद मैंने आपको बताया होगा, यहाँ पे याकुत्स्क में और खास करके साइबेरिया रीजन के अंदर है ना, जो नीचे की ज़मीन है ना वो थोथली है। थोथली बोले तो जैसे नॉर्मली जगह पर मिट्टी भरी हुई होती है पूरा एकदम, तो आप चाहे मिट्टी के अंदर कितना भी कूट लो वो नीचे नहीं धसेगी। यहाँ पे नीचे मिट्टी के अंदर पानी है और वो पानी जमा हुआ है, उसको बोलते हैं पर्माफ्रॉस्ट। यहाँ पे अगर अब आप बहुत गहरा खड्डा खोदेंगे ना तो जमीन और ज्यादा नीचे धस जाएगी, तो इस कारण से इस रीजन के अंदर मेट्रो बनाना भी इम्पॉसिबल है। यहाँ पे जो पाइपलाइंस हैं वो भी जमीन की बजाय ऊपर मिलेंगी आपको, या कुछ में ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी नहीं मिलेंगी जो आपको बाकी जगह पे मिल जाएंगे ना। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ पर्माफ्रॉस्ट, और इसी पर्माफ्रॉस्ट के कारण साइबेरिया और इस इलाके के अंदर खुदाई के काम चलते टाइम पर बहुत पुराने पुराने फॉसिल्स मिलते हैं जो डीके हुए ही नहीं है। बच्चे अभी स्कूल से आ रहे हैं। स्कूल है? स्कूल है। इंग्लिश के पढ़ी मैं? немножко говорит, ну чуть-чуть. Чуть-чуть. What's your name? My name is Talbar. Talbar. And you? My name is Dehan. Now you going to school or home? Из школы домой идете говорить? Не, мы идем на тренировку. А, спорт. Спорт. Какой спорт? Ботер. 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 Да. Бас а гей вай. बस से निकल के भाई अब इधर आ गए।
जो तानिया थी अभी वो अपने काम पे चली गई है, वो काम करती हैं शाम के 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। मैं अभी एक मार्केट के अंदर आ रखा हूँ जहाँ पे आपको मीट वीट खरीदने को मिलता है। मेरे पास बस अभी एक पंगा है, मेरे पास अभी वो जूते नहीं है, वो जूते खरीदने हैं मुझे। डाउट सा हो रहा है कि खरीदूँ या रहने दूँ, क्योंकि अभी तक तो ये जो मेरे पास डिकैथलॉन वाले जूते हैं ना सही काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास मोटी जुराबे भी नहीं है। तो ये करता हूँ कि जो थिक जुराब होती है ना वो ले लेता हूँ, और अगर मुझे लगा कि टेम्परेचर और ज़्यादा ठंडा हो सकता है तो फिर मुझे वो जूते भी खरीदने पड़ेंगे। अभी तक तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत लग नहीं रही है। और एक्सट्रीम ठंड के साथ एक पंगा हो रहा है, जब आप बाहर आते हो ना तो कई बार आपकी नाक से खून आने लग जाता है। मुझे खून एग्जैक्टली बाहर तक तो नहीं आया, लेकिन आज सुबह सुबह जब मैं नाक साफ कर रहा था ना, नाक से जो पानी निकला था उसके अंदर रेड रेड डॉट्स मिले थे। मैं डर गया, मैं बेटा क्या हो गया, नाक से खून आ रहा है। जब मैंने सर्च किया तो पता लगा कि ठंड के अंदर नाक से खून आना एक्सट्रीम ठंड में नॉर्मल बात है। फिर वहाँ ठीक है, तो शुक्र है बाहर तक नहीं आया, नाक के अंदर तक तो आ गया था, नीचे तक बॉटम में। शाम के 6 बजे हैं और यहाँ पे अंधेरा हो चुका है। यार मेरी जो होस्ट है वो इतनी अच्छी है भाई, मुझे अपने घर की चाबी देके चली गई, और वो 9 बजे तक आएंगी तो घर पे शायद उनकी बेटी अकेली है छुटकी, जो आपने शायद वीडियो में पहले देखी होगी। काउच सर्फिंग भाई मस्त एप्लीकेशन है, मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि एक दो बार आप काउच सर्फिंग एप्लीकेशन को ट्राई करिए, आपको एक अलग चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे बूढ़ी बूढ़ी बबूशका को देख के मेरे को नानी की याद आ रही है। और जब आप इधर ठंडे इलाकों में आते हो तो मेटल से आपको बचना चाहिए। देखो अभी मैं हाथ लगा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं सीधा अपना हाथ चिपका दूंगा ना मेटल के साथ तो चिपक जाएगा। कई बार आपने देखा होगा फ्रीजर के अंदर वो स्टील के कटोरे में बर्फ नहीं जमाते, उसके ऊपर अगर आप हाथ रखते हो तो हाथ चिपक जाता है, तो सेम सीन यहाँ पे है। कई बार लोग ऐसे पोल के हाथ लगाते हैं और वो हाथ चिपक जाता है, अगर उनको उठाना पड़ेगा ना पोल से, अगर वो हाथ हटाएंगे तो नीचे वाली चमड़ी उतर जाएगी भाई, बड़ा खतरनाक पेन होता है इसमें। तो वापस जो अपनी होस्ट है उनके घर पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जाकर थोड़ा बैठूंगा, कल की तैयारी करेंगे। कल मेरे को कम से कम 4 या 5 जगह जाके आना है, और परसों मैं यहाँ से याकूत से ओमेया को निकल जाऊँगा। आगे प्लान तो कर रहा हूँ मगधान तक चला जाऊँ, बाकी देखते हैं, क्योंकि ये वाला जो वीज़ा है ना मेरा ये सिर्फ 16 दिन का है, और आज मेरा रशिया के अंदर 3रा दिन है। इस एरिया की जो लैंग्वेज है उसको यकूतिया लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आप पूरे साखा रिपब्लिक को देखोगे ना, रिपब्लिक ऑफ साखा जो यकूत जिसकी कैपिटल है, दुनिया के सबसे ठंडे एरिया में से ये एक एरिया है। अगर आप इसके एरिया की बात करोगे ना तो ऑलमोस्ट इसका एरिया अपने इंडिया के बराबर है, इंडिया से बस थोड़ा सा ही छोटा रहता है, इतनी बड़ी है साखा रिपब्लिक। यहाँ की पॉपुलेशन होगी लगभग सिर्फ 1 या 2 मिलियन, और अपने इंडिया की देखो भाई 1.4 बिलियन। मतलब यहाँ पे हर चीज़ आपको मारने की कोशिश करेगी भाई, यहाँ आपको भेड़िए खतरनाक वाले मिलेंगे, भालू मिलेंगे खतरनाक वाले, लेकिन इस टाइम पे वो सभी हाइबरनेशन में चले गए हैं। यहाँ पे जो मेरी होस्ट है वो मुझे बता रही थी, अगर तुझे कोई भालू बाहर मिलता है ना, इसका मतलब वो भालू बहुत खतरनाक है, वो भालू हाइबरनेशन में नहीं गया, मतलब वो भालू मार सकता है किसी को भी, इतना नेक्स्ट लेवल भूखा है वो, वरना इतनी ठंड में वो भालू बाहर क्यों आएगा। पर यहाँ के लाइटिंग को देख के है ना दिल खुश हो जाता है, ये देखो भाई कुत्ता फिसल रहा है भाई। थोड़ी ठंड लग रही है, होस्ट के घर पे जाने से पहले ना कॉफी पीने का मन कर रहा है बाहर। अभी लगभग मुझे 1 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा, और पैर है ना थोड़े थोड़े ठंडे लगने लग गए हैं। अब इस वाली नाक के अंदर है ना मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कुछ जम रहा है, तो पता नहीं क्या है ये। तो अभी कैफे के अंदर आया हूँ मैं, तो यकूत के अंदर वैसे 2 लैंग्वेज बोली जाती है, एक यकूतियन और दूसरी रशियन। ज्यादातर यहाँ पे आपको लोग रशियन बोलते हुए मिलेंगे, खासकर जो यकूतियन लोग हैं वो यकूतियन नहीं बोलते इतना। कॉफी की जगह है ना मैं एक फ्रूट टी पी रहा हूँ, ये मुझे मिली है 60 रूबल में, तो लगभग आप ये मान लीजिए 55 रुपए की एक चाय, फ्रूट टी बोल रहा हूँ। यहाँ पे दूध वाली चाय का उतना चलन है नहीं, रशिया सस्ता ही है, कुछ चीज़ों में महंगा है थोड़ा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अपने अगर इंडिया के साथ कंपेयर करोगे ना तो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। यहाँ के लोगों का स्टाइल मस्त देखा है मैंने, सिगरेट पीते हैं ना तो सीधा मुँह में रखते हैं भाई, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हाथ लगाते ही नहीं है। यार मेरे को ना तूफान देखना था, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा तूफान देखने को मिलेगा, हर जगह इतना क्लियर मौसम है। देखो भाई गोप्रो पूरे तरीके से डेड हो चुका है, जो मेरी होस्ट है मैं उनके घर पे पहुंचने वाला हूँ। यही है भाई कि आप यहाँ पे कार के हालत देख ही सकते हो भाई, अभी वापस घर पे पहुंचा हूँ। ये है मिली ना तो मिलना मिलना ना, तो जो मेरी होस्ट उनके घर पे पहुंच चुका हूँ मैं, जो मेरी होस्ट है अभी वो जा रखी है काम पे कर लें, और घर पे इनकी दोचका अकेली है। आपको जो अपने जो गैजेट्स हैं इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप बाहर से आएंगे अंदर आती ये इतने ठंडे हो जाते हैं कि अंदर आती हवा के अंदर जो मॉइस्चर है ना उसको आकर्षित करेंगे और कंडेंस कर देंगे। ये देखिए गोप्रो के ऊपर बर्फ़ सी जम गई है ये अंदर आती, अभी इसको ऑन भी नहीं कर सकता मैं, वरना कैमरे को भी ख़राब कर देगा, और इस प्रोसेस में है ना कई बार बैटरी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए।
Еще? Это круто! Милана! Милана! Ну там, туда же. Да. Там тоже глянул, но же Янкович. Мияги. Энди панда. Ты знаешь Мияги? Не знаю. Не знаю? भाई ये है मेरी होस्ट की डॉटर और रशियन में डॉटर को बोलते हैं दोचका दोचका देवुष्का दोचका भाई ये मस्त है पता नहीं यार जहाँ पे भी जाता हूँ ना मेरा बच्चों के साथ नेक्स्ट लेवल कनेक्शन बन ही जाता है ये बच्चे हैं भाई दुनिया के सबसे ठंडे शहर के और अभी मिलाना के स्कूल में ना क्वारंटाइन चल रहा है कोई चिकन पॉक्स से केस आ गए हैं तो इस कारण से पूरे स्कूल की छुट्टी हो गई है अभी है ना मैं तानिया से बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि यार इन इंडिया व्हेन वी सिट इनसाइड होम इट्स ओचिन खोलोदना बट यकूतिया नहीं है तो एट ओचिन जारका आउटसाइड इट ओचिन खोलोदना द आउटसाइड बट दोमा एट ओचिन खरोशे या इंडिया outside ochin khlodna te doma ochin khlodna we don't have heating system niyato in this ki niyato понятно ruski doma ochin khorosha de да 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 потому что без этого очень холодно будет нас и так да это минус 40 degree можно я подержу я дома дома же можно я брю это позитив 40 давай гимнастик ладно а хорошие это как Это йога, да? Нет, это не йога, это гимнастика. Гимнастик? О, хорошие! Я такой, бачи, бай. Бачи, я бочу, да, интересно, гимнастик с кендер. Сколько ты, блин? Шесть. Шесть? Шесть, мотлоб, че. Я мини друг Милана. А я друга Борис Алиса. Это как? Привет. Это варенье. Это как? Борщ? Борщ, это ты. Это как? Это салат. Салат как? Там есть кай помидор, лук и все. Больше ничего. Бай, рашен мне, на, джем ко болте хэн верени. Ор я дехи, гарпе бана ва джем хэ. То, жо хмара хана хэ, во рэди хо чука хэ. ये मेरे सामने है चावल ये अपने वो उस वाली चटनी किसकी जो मैं पानी पूरी लेके आया था भाई ने पानी पूरी ट्राई की लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पानी पूरी खाने की और ये अपने पानी पूरी वाला मिर्ची वाला पानी और ये है अपने टमाटर और उसके सलाद और उधर है जैम और ये है क्यूट गर्ल लाना मस्त है भाई अब तक काफ़ी दिनों बाद काउ सर्फिंग कर रहा हूँ तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है और काउ सर्फिंग भी दुनिया के सबसे ठंडे शहर के अंदर स्पेसिफिक और ये अपने आलू भी रेडी हो गए हैं दलाई लामा दलाई लामा था तिब्बत धर्मशाला नहीं तिब्बत नहीं तो तिब्बत दलाई लामा потом китайский धर्मशाला दलाई लामा где сейчас тогда धर्मशाला इंडिया да गंगा रेखा गंगा а там це गंगा гималья потом बंगाल सी मैं ज्यादा देर ये कैमरा नहीं करूंगा इसके ऊपर लाइट भी लगी है भाइयों को बेचारों को खाना खाते टाइम भी बीच में कैमरा की ले भाइयों मेरे को कंटेंट दे दो ऐसा नहीं करना काफी हो गया काफी कंटेंट मिल गया है मेरे को तो ये देख लीजिए ये आज का हमारा खाना है भाई इधर चावल खा रहे हैं पर खरोश है भाई ये आम वाली चटनी को इसमें मिला के खा रहे हैं दवाए ये तो यहाँ पे लोग बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाते भाई बिल्कुल भी नहीं अगर ये थोड़ा सा भी खा लेंगे ना तो इनके तोते खड़े हो जाएंगे नॉर्मल चलो अब मैं भी खाना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी हमने भाई खाना वाना खा लिया है और अब हम दवाई दवाई ओचिन दवाई नमस्ते नमस्ते पपा रेस का पपा बोरिस का पपा पेर पे पपा पपुर पपा पपास का पपा पा काक काक मिनी जबूत काक मिनी जबूत नहीं जानू да я уже мини зовут дипаншу дипаншу да а так Намасте. Сколько тебе просила? Я. Скажи Алина. Алина. Нет, Алина. Алина.
नहीं तो जब तक मैं इस कैमरा को बंद नहीं करूंगा ये सोएगी नहीं, और घर वाले भी अभी सोने वाले हैं, तो गुड नाइट गाइस। तो बस भाइयों अब इस वीडियो में खत्म कर रहे हैं, मेरी जो एनर्जी वो एकदम खत्म हो चुकी है, लेकिन ये बच्ची भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कितनी ज्यादा एनर्जी इसके अंदर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कुकरिक्सा मतलब मुर्गे को बोलते हैं रशियन में। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। दसविदानिया पका, दसविदानिया, पकोई नहीं नौचिस अदना, पकोई नहीं नौचिस।